सोमवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के रोहाना कला गांव में स्थित वाल्मीकि बस्ती के निवासियों ने उनकी बस्ती में स्ट्रीट लाइट व सफाई की समस्या को लेकर हंगामा करते हुए बस्ती में पथ प्रकाश व जन सुविधाओं का मुद्दा जोरों से उठाया। क्षेत्रवासियों का कहना था कि उनकी बस्ती में बिजली के खंभों पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगी होने के कारण क्षेत्रवासियों को रात के समय काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा क्षेत्र में बने सार्वजनिक शौचालयों में भी पानी न आने के कारण इन शौचालयों में इस कदर गंदगी है कि क्षेत्रवासी इन शौचालयों में शौच जाने की अपेक्षा खुले में शौच जाना बेहतर समझते हैं। इन समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासी अनेकों बार ग्राम प्रधान के पास जा चुके हैं, लेकिन ग्राम प्रधान हर बार उन्हें आश्वासन देकर वापस भेज देता है। क्या नाम आपका? रवि जी। पापा नाम? नरेश। ग्राम रोहाना। क्या समस्या आपकी भाई जी? एक तो हमारी नाली नहीं सफा हो रही, बिल्कुल भी नालियों में बिल्कुल अड़हाटा पड़ा जब से वो आया, जब से बिल्कुल भी वो नहीं। लाइट की समस्या क्या आया जब से मतलब प्रधानी का वो आया जी, जब से बिल्कुल भी पिछली योजना में ठीक काम हो रहा था। इसमें एक भी कर्मचारी आप देख लो नालियों में अड़हाटे पड़े, सफाई कर्मी आया नहीं कोई भी? आता नहीं जी बिल्कुल भी। अच्छा हाँ जी। और लाइट होगी सड़क के भी हो रही है, जो हमारा यहाँ चैनल था इतने ऊंचे ढाल है, उससे इतनी कई बार कह लिया प्रधान ने, उसे वो नहीं करवाया। प्रधान के पास गए आप? हाँ जी। क्या कहा प्रधान जी ने? प्रधान जी ने करवावे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, आश्वासन देते रहे। कितने दिन से? काफी दिन से हो गया। नहीं अंदाजा? फिर 3-4 महीने से जाते रहे, कोई वो नहीं। अच्छा। आश्वासन नहीं दे रहे। मेरा नाम संतराज है। ग्राम रोहाना कला। सुनो श्री सकलाल। अच्छा क्या समस्या है आपके यहाँ? लाइट की समस्या है जी। देखो अब माहौल कैसा चल रहा है और हमारे यहाँ बिल्कुल लाइट की व्यवस्था नहीं है। आप इधर को कैमरा पर घुमाओ, इधर को लाइट की व्यवस्था देखो। देख लिया हमने, तो इसके बारे में कुछ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ लाइट लगनी चाहिए। कितनी? ये देख लो आप इधर खंभों पे किसी पर भी लाइट नहीं है। माहौल खराब बता रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि कुछ नहीं, अफवाह फैल रही है जी। नहीं माहौल खराब, प्रशासन के कहने से क्या हो, ये जो वीडियो आ रही है झूठी, ये फेक वीडियो है जी। हाँ हम इधर इतने जंगल में पड़ेगा, कोई आदमी आ जा भाई चांस, हम इधर से कहीं को जान भाग जा, कुछ हो जा, बात हो जा, तो हम क्या देखेंगे, किसे ढूंढेंगे हम यहाँ से? लाइट की समस्या, लाइट की समस्या। और क्या समस्या? शौचालय की समस्या। शौचालय की समस्या, उसमें शौचालय में पानी नहीं आया। वहीं इस पूरे मामले पर जब हमारी टीम ने ग्राम प्रधान से उनका पक्ष जानना चाहा, तो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का कहना था कि पद प्रकाश की व्यवस्था हेतु ग्राम पंचायत की ओर से विद्युत विभाग में कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया है, तथा विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन स्वीकृत करने के बाद ही पद प्रकाश की व्यवस्था अति शीघ्र करा दी जाएगी। वहीं शौचालयों में पानी न आने के मुद्दे पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का कहना था कि कुछ दिनों पूर्व अज्ञात चोरों द्वारा समरसिबल का स्टार्टर चोरी कर लिया गया था, वह शीघ्र ही नया स्टार्टर लगवाकर पानी की व्यवस्था सुचारू करा दी जाएगी। समस्या है कि लाइट की समस्या तो पूरे गांव में ही है। हमने 30-40 लाइट लगवाई, लेकिन शासन का आदेश है कि जब तक ग्राम पंचायत का कनेक्शन नहीं होगा, जब तक परमिट नहीं होगा। हमने बिगर कनेक्शन के कुछ लाइट लगाई तो जेई ने हमें कहा कि भाई तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, पहला आप ग्राम पंचायत का कनेक्शन लो, उसके बाद लाइट लगाओ। तो हमने में रोक दिया था काम। अच्छा। लेकिन गांव वालों की समस्या, जब तक कनेक्शन पास नहीं होने का, जब तक हमारी मजबूरी है, हम लाइट नहीं लगवा सकते। मतलब लाइट की भाई यही प्रॉब्लम है? हाँ यही प्रॉब्लम है। अच्छा अभी ये कह रहे हैं कि टॉयलेट की यहाँ समस्या है, इसकी सार्वजनिक टॉयलेट की जो समस्या है, टॉयलेट में जो स्टार्टर था वो यहाँ से कोई उतार लेगा, मतलब चोरी हो गया? चोरी होगा। FIR करी आपने? FIR नहीं हुई अभी, उसकी जांच चल रही है। वो बता रहे थे मुझे कल ही, बताया उन्होंने। अच्छा। कि जी यहाँ स्टार्टर चोरी होगा। अच्छा। अब उसकी जो कोई आसपास का ही लेगा उठा करके, ताकि उसमें कोई विवाद पैदा ना हो, जानकारी कर रहे किसके पास स्टार्टर। अच्छा एक सफाई कर्मी की समस्या बता रहे वाल्मीकि बस्ती में। सफाई कर्मी जो यहाँ आ रहा, लेकिन ये लड़का गलत बता रहा। सफाई कर्मी सफाई कर्मी से मैं बात करूँगा, अगर वो नहीं आ रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा।